हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बार फिर एक और रिएक्शन वीडियो लेके। सो फ्यू आवर्स अगो आवर इमो स्टार ऑफ इंडिया यानी एमसी इनसेन ने अपना लेटेस्ट ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम है लीव मी, एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम हिज मिक्स टेप जिसका नाम है सोल फॉर सेल। तो समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन के पीछे, एंड वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन रियल क्विक। एंड टू ऑल द क्रिस्टो फैंस, टू ऑल द एमसी इनसेन फैंस, एंड टू ऑल माई पीपल फ्रॉम असम, अगर रिएक्शन पसंद है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल वाली घंटी को बजा देना और भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट इट ब्रदर्स। अपॉन चीज जैसे शुरुआत हुई है, इट्स जस्ट द फर्स्ट बार, और मुझे ऑलरेडी वो फील आ रहा है जो लास्ट एल्बम भाई की थी। आई एम गेटिंग द सेम काइंड ऑफ वाइब, और टाइटल भी कुछ वैसा ही है, लीव मी, दैट मी सीक्वेंस जो शुरुआत में वहां पे फील मी था, हर्ट मी था, बहुत कुछ, मतलब पांच ट्रैक तो वो मी वाले सीक्वेंस में थे। बट यहाँ पे भी जो मिक्स टेप है सोल फॉर सेल, इसकी शुरुआत भी हुई है लीव मी के साथ, तो देखते हैं। आई एम गेटिंग द सेम काइंड ऑफ फ्लेवर एज सेम एज द लास्ट एल्बम, तो चेक करते चलो। शरीर कैसा भी हो खुश रखो सोल को, बातें कैसी भी हो मुंह पे मेरे बोल दो, 27 क्लब जाना मुझे याद है, होऊंगा नहीं ब्रोक जब तक कला मेरे संग में। 27 क्लब्स जाना मुझे यंग है, सो इफ यू डोंट नो अबाउट 27 क्लब्स, तो यूजुअली उसे बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है दैट 27 क्लब्स, मतलब कुछ हैं आर्टिस्ट, एक्टर्स या फिर एथलीट्स जिनकी बहुत कम, वो 27 साल की उम्र में ही देहांत हो गए थे ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज या फिर वायलेंस बोल सकते हो या फिर सुसाइड बोल सकते हो। तो भाई वही बोल रहा है कि मुझे भी वो 27 क्लब में जाना, मतलब 27 की उम्र में मौत। सो मतलब होती है ये चीज, तो मैंने देखी है कि भाई के गानों में हमेशा लास्ट, जब एल्बम भी मैंने पूरा रिएक्शन किया था, रिव्यू किया था, तो कुछ कुछ बार्स बीच में वैसे भी थे जो सुसाइडल बार्स थे, सुसाइडल थॉट्स जो दिमाग में आते हैं, तो भाई ने उसे लिख के गानों में डाल दिया। तो दिस 27 क्लब्स जाना मुझे यंग, दिस इज वन ऑफ दोज। रखो सोल को, बातें कैसी भी हो मुंह पे मेरे बोल दो, 27 क्लब जाना मुझे यंग है, होऊंगा नहीं ब्रोक जब तक कला मेरे संग, मेरी कविताएं पढ़ मेरे कवि भाई खुश, एक कविता ने छोड़ा तो मैं कभी बना खुद, मैंने कभी सोचा था ना कि ऐसा भी कभी होगा कि जो अक्षरों से डरता आगे चल के कवि होगा। बजे 3 मैंने सुन लिए है बीट बॉट, खाना पीना लेता नहीं मैं लेने लगा वेट बॉट, हार या जीत का फैसला आज कठिन बहुत, हार या जीत हो जिंदा रहते जी लो, ढूंढा तुझे इस कदर क्या रात था क्या दिन, आने वाली आफत को तू उंगलियों से गिन, जो गया वो आया नहीं है लाइफ नहीं रिसाइकल, देखे मैंने काफी तुमसे ज्यादा नहीं थी कोई हसी। ब्रो ये तो चीज है, जो चीज अभी तुम्हारे पास है वो अनमोल है ब्रो, उसे संभाल के रखो, बिकॉज जिंदगी कंप्यूटर की तरह नहीं होती, जो एक बार डिलीट हो जाए तो रिसाइकल बिन में जाके वापस उसे हम रिस्टोर कर देते हैं, बिकॉज वो जो रिसाइकल बिन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जिंदगी के साथ एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट वॉज अ गुड वर्ड एक्चुअली। कुछ सालों से तू सेम बनी पड़ी है, मेरे लाइफ का एक एम बनी पड़ी है, कोई न समझे तेरा आंखों से रिझाना, मैंने समझा और मैं बन गया दीवाना, लाइक करूं लेकिन मैं करता नहीं सेम, तू मिली। ये वर्ड मैंने एमसी इनसेन से सुना है कि टाइप करके वापस बैक कर दो या फिर समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो या फिर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस, की लिख के वापस मैं अनसेट बटन दबा देता हूँ या फिर लिख के वापस बैक कर लेता हूँ या फिर लिख के वैसे ही छोड़ देता हूँ, मैं वो मैसेज तुझे सेंड नहीं करता, बन गया दीवाना, टाइप करूं लेकिन मैं करता नहीं सेंड, तू मिली है खुद से न किसी की देन, सोचती तू होगी कब जाएगा इनसेन, सोल मेरा ले लो आज इस पे है सेल, कहता मैं उसको मैं बुरा इंसान, जो लगता तुझे तू वैसा न मान, कोई मेरे वेट में कब दूंगा मैं जान, आगे रखा मुझे मेरे पीछे शैतान, ये आत्मा नहीं चाहती है जमड़े का घर, खोलो दरवाजा या दे दो जहर, कब तक रखोगे यू बंद करके। अगेन अगेन इफ यू लुक एट द लिरिक्स, इट सीम्स लाइक
ही इज हर्ट फ्रॉम इनसाइड यार, अंदर की जो आत्मा है ना उसे, मतलब बदन के अंदर वो क्या था, चमड़े का घड़ या फिर समथिंग लाइक दैट, कि वो भाई रू अंदर अटकी हुई है, उसे बाहर निकलना है. तो अगेन यू कैन फील दैट, मीन्स भाई काफी ज्यादा दर्द में है, आइदर ही इज गोइंग थ्रू समथिंग और दिस थिंग्स आर क्या बोलू, सिम्बोलिक हो सकती है या फिर ही हैज फेस समथिंग वेरी बैड. यही दो तीन चीजें हो सकती है, बिकॉज इफ यू फोकस ऑन द लिरिक्स दे आर डिप्रेसिंग. मेरे पीछे शैतान, ये आत्मा नहीं चाहती है चमड़े का घर, खोलो दरवाजा या दे दो जहर. कब तक रखोगे यू बंद करके मुझको, और कब तक चलाओगे तुम अपना कहर. चिल्लाया मैंने काफी, तूने ना सुनी है मेरी, तुझे दिखे मेरी लाश लेकिन ना सुनी है तेरी. क्यों कोमल से दिल को है पत्थर बनाया, क्यों दो पल के प्यार को है अमर बनाया. मंत्र है तू, तुझे पढ़ना जरूरी है, शत्रु है जो उससे लड़ना जरूरी. ऐसा क्या काम किया मैंने, जीते जिया रहा जो लगा तुम्हें, आज मेरा मरना जरूरी. तू मिले तो लगे कोई ना मिली है, तू मिली जैसी लगा मुझे ऐसा कि तू बिल्कुल ही है मेरी जैसी. खुद से पहले रखा तुझे, इज्जत करता तेरी, तू फिर से मुझे टाल दे है, किस बात की तेरी. जा रहा मैं दूर, थोड़ी मोहलत दे दो मेरे दुश्मन को, एक किस और मेरा दौलत दे दो. तुम्हें कौन समझाए मुझे प्यार किससे है, देखा आईने में जरा मुझे प्यार से है. देखो तोड़ा जिसने उसे कहते, देखा आईने में मुझे प्यारे से, तुझसे ही प्यारे यार. एंड सीरियसली बोलू नाउ, इट्स फील दैट दिस इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फील मी एल्बम. और ये भाई इवन ये वाला ट्रैक एल्बम में हो सकता था, बिल्कुल सही जाता और अच्छा जाता. जो लोग मिस कर रहे थे वो फिल्मी एल्बम के खत्म होने पे तकलीफ में थे, जिन्हें दर्द था, ये ट्रैक उनके लिए. यू कैन फील दैट वाइब अगेन. देखा इन्हें में जरा मुझे प्यार से, दिल को तोड़ा जिसने उसे कहते हो तुम गॉड. उसके बंदे करते नफरत मुझसे, कहते मुझे फ्रॉड. मैं मान नहीं सकता, रिश्ते जा चुके हैं सच में, किससे करूं बातें, मेरे कोई भी नहीं है टच में. तूफान बन के बैठा मेरा दर्द इधर कब से, बदलते मौसमों की तरह तुम भी बदले जब से. अकेला ही सही भरोसा उड़ चुका है लब से, ये वादा मेरा तुमसे, तुम्हें दिखूंगा ना अब से. अब नाटक करो बंद, बंद करो कहना मिस यू. जब मैं बना इंसान तब तुम बने थे स्टैच्यू. इस जन्म में असफल एक जन्म मुझे और दे, पूरा मुझे ले ले या तो पूरा मुझे छोड़ दे. With me, मुझे छोड़ दे. तुम जा रहे हो तो फिर जाओ ना, वापस आना भी नहीं, ये चेहरा फिर दिखाना भी नहीं. With me, तू जाओ. अगर तुम यार, अगर ध्यान तो मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है, अभी ये ट्रैक सुन रहा था तो बैक ऑफ द माइंड ऐसे एक फील आया कि जितने जो ट्रैक है दैट सीक्वेंस मी, अगर तुम सारे गानों को अगर एक साथ सुन के, अगर एक साथ उतार के उनका अगर स्ट्रक्चर करो ना, तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेम है. मींस जो राइटिंग है, जहां इमोशन है, कहां हाई पिच लेना है, कहां लो पिच लेना है, वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सेम है, ऐसा मुझे फील हो रहा है. यू कैन, आप अपना जो आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट में बता सकते हो. मुझे ऐसा अचानक फील हुआ तो मैंने सोचा यार बता देता हूँ. चलो Amazingly produced by my brother Christo,
एंड यार ये बंदा है, ही विल बी अ स्टार वन डे, बिकॉज रैपिंग पार्ट अगर तुम साइड भी कर दो, जस्ट लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, रैप से तो पोर्ट्रे कर ही रहे अपनी कहानी भाई, चेहरे से आंखों से बंदा पोर्ट्रे कर रहा है अपनी कहानी, एंड विच इज अ ग्रेट क्वालिटी फॉर अ रैपर, जो कि बहुत सारे रैपर्स में मीन्स दे आर ग्रेट रैपर्स बट दैट कैमरा प्रेजेंस वो लैक करते हैं, बट दिस गाय ही इज अ जीनियस यार, एमसी इनसेन, ही इज द फ्यूचर ब्रो, ही इज द इमो स्टार भाई ऑलरेडी है और आगे इन फ्यूचर और आगे जाएगा और ऊपर जाएगा। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और भाई को देना प्यार, बिकॉज भाई अभी पसीने में लथपथ हो रहा है, बिकॉज फैन ऑफ करके हमें रिएक्शन बनाना पड़ता है, एसी हमारे पास है नहीं तो गर्मी लग रही है। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और भाई को देना प्यार। अब मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।